हाँ एवरीबॉडी, आज फिर से हम लेके आए हुए हैं सुरक्षित शनिवार संबंधित। सुरक्षित शनिवार क्यों सवाल है, सुरक्षित शनिवार क्यों जरूरी है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम क्यों नाम दिया गया। इस वीडियो में चर्चा करेंगे सुरक्षित शनिवार क्यों। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षक महोदय के पास ये वीडियो पहुंच सके। आइए जानते हैं, जानने से पहले कुछ बात को हम समझते हैं कि सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम क्यों जरूरी है, इसके लिए कुछ गतिविधि है, आइए हम देखते हैं। मान लीजिए हम छत पे खड़े हैं और भूकंप आ गई और हमें अब कूदना है क्योंकि मकान गिर रहा है। उस परिस्थिति में हम सामान्यतः अगर जानकारी हमको कुछ भी नहीं है तो हम सीधे तौर पे ये कूद गए। ये जो कूदे एक चीज स्पष्ट कर दे रहे हैं, फिजिक्स की बात है कि पृष्ठ एरिया हमारे शरीर का जो हम कूदे पृष्ठ एरिया जितना कम होगा दबाव ज्यादा होगा। तो यहां का चोट यहां आएगा, यहां का चोट यहां आएगा, यहां तक आएगा और घुटने कमर में परेशानी होगी। लेकिन यही काम अगर हम बच्चों को सही जानकारी देंगे, अगर जानकारी है तो इस चोट को इस समस्या को आराम से हम निदान पा सकते हैं। फिर से हम कूदते हैं, अगर मेरे पास जानकारी है तो हम जो कूदेंगे उसका स्टाइल कुछ ये होगा कि पृष्ठ एरिया को हम बढ़ाएंगे। पहले मेरा पृष्ठ एरिया केवल ये था, दबाव ज्यादा था, अब पृष्ठ एरिया को अगर हम बढ़ाते हैं तो दबाव ना के बराबर होगा, चोट हमें कम लगेगा। आइए देखते हैं हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को क्यों बतानी चाहिए। इसको फिर से हम करते हैं, तेजी में हम कूदे, पृष्ठ एरिया मेरा पूरा शरीर हो गया और इस परिस्थिति में दबाव बेहद कम हो गया, मतलब चोट कम से कम लगी। इस परिस्थिति में फिर से हम दोहरा दें, अगर यह परिस्थिति ज्यादा चोट लगेगा जबकि इस परिस्थिति में चोट ना के बराबर होगा और बच्चा देह जाते निकल जाएगा, मतलब खतरे को जानना, खतरे आपदा को जानना, उससे होने वाले खतरे को जानना, होने वाली हानि को जानना और उसका निदान बताना। कहां बताएंगे, समाज में तो बताएंगे, लेकिन अगर स्कूल में बताया जाए और बेहतर। इस चीज को आपदा से संबंधित, एक तो यह एक भूकंप से संबंधित था, कई आपदाएं हैं, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, कई आपदा है। इस आपदा से बचने के लिए आसान तरीका बच्चों को स्कूल में बताने का है। सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्देश है, यूनिसेफ के द्वारा शिक्षा विभाग ऐसा कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार विद्यालय में मनाया जाता है। और सुरक्षित शनिवार इसलिए नाम दिया गया क्योंकि कोर्स से संबंधित जानकारी बच्चों को ज्योग्राफी हो या साइंस हो या हिंदी हो, सभी विषयों में
कई अध्याय हैं आपदा से संबंधित। बच्चों को प्रत्येक दिन जानकारी होती है, लेकिन शनिवार खास दिन होता है बच्चों के लिए, क्योंकि हाफ डे होता है, मनोरंजन का दिन होता है, कुछ नया क्रिएटिविटी करने के का दिन होता है। बच्चे विशेष तौर से आकर्षित होते हैं नए चीज पर। तो इसमें प्रत्येक विद्यालय में एक फोकल शिक्षक नियुक्त किया गया है। उन फोकल शिक्षक के द्वारा बच्चों को इस तरह की गतिविधि दे के बताते हैं। इस चीज को बताने के लिए ही और ये बच्चों को सुरक्षित करने के लिए, उसका भविष्य सुरक्षित हो, जीवन सुरक्षित हो, आपदा से बचने का उपाय जाने, तो वो सुरक्षित है, हमारा समाज सुरक्षित है, क्योंकि बच्चों में ही हमारा भविष्य है, हमारा देश है। तो सुरक्षित करने के लिए बच्चों को जानकारी देना, वो भी शनिवार को, इसलिए नाम पड़ा सुरक्षित शनिवार। और आपदा से संबंधित जानकारी देनी है, इसलिए सुरक्षित शनिवार जरूरी है। सवाल था सुरक्षित शनिवार क्यों? तो इसलिए कि बच्चों को जानकारी प्राप्त हो। अगला सवाल, बच्चों को ही जानकारी क्यों? उसके बाद सवाल लेंगे फोकल शिक्षक क्या क्या कार्य है और फोकल नाम क्यों दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।